गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास नाइन्थ के इंग्लिश के मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 3 है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इसका आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में हम लोग इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इसे हम लोग करेंगे विथ हिंदी एक्सप्लानेशन। तो आइए बिना देर के हम इसे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, यदि इसके पहले के वीडियो जो आपने नहीं देखी है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से आप उसे जाकर देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे ईश्वरन द स्टोरी टेलर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, महेंद्र जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट, यानी महेंद्र का काम गतिविधियों पर नजर रखना था। ए ऑप्शन है द स्कूल, यानी स्कूल के। बी ऑप्शन है द मेन रोड, यानी मुख्य सड़क के। सी ऑप्शन है द वर्क साइट, यानी कार्यस्थल के। और डी ऑप्शन है द ग्रेवयार्ड, यानी कब्रिस्तान के। तो इसका सही ऑप्शन है सी, द वर्क साइट, यानी कार्यस्थल के। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, महेंद्र वाज, यानी महेंद्र था। ए ऑप्शन है एन आई टी इंजीनियर, बी ऑप्शन है जूनियर सुपरवाइजर, और सी ऑप्शन है ग्रेट कुक, एक महान रसोईया, और सी ऑप्शन है बैचलर। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, जूनियर सुपरवाइजर। इसमें थ्री नंबर क्वेश्चन है, ईश्वरन कुड वीव आउट एंडलेस, यानी ईश्वरन अनंत बुन सकता था। ए ऑप्शन है स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, यानी कहानियां और उपाख्यान। बी ऑप्शन है कोट्स, यानी खाट। सी ऑप्शन है फाइन क्लॉथ, यानी महीन कपड़ा। और डी ऑप्शन है मैटेरियल, यानी सामग्री। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, यानी कहानियां और उपाख्यान। इसमें फोर नंबर क्वेश्चन है, ईश्वरन वुड ट्राई टू वर्क इन, यानी ईश्वरन इसमें काम करने की कोशिश करेगा। ए ऑप्शन है कूल एटमॉस्फियर, यानी शांत वातावरण में। बी ऑप्शन है दी कंट्री साइड, यानी ग्रामीण इलाकों में। सी ऑप्शन है मार्स, यानी दलदल में। और डी ऑप्शन है सस्पेंस, यानी रहस्य में। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, सस्पेंस, यानी रहस्य। फाइव नंबर क्वेश्चन है, द रोड वाज डिजर्टेड एंड आई वाज, यानी सड़क सुनसान थी और मैं था। ए ऑप्शन है थ्रिल्ड, यानी रोमांचित। बी ऑप्शन है ऑल अलोन, यानी अकेला। सी ऑप्शन है डिप्रेस्ड, यानी उदास। और डी ऑप्शन है एक्साइटेड, यानी उत्साहित। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, ऑल अलोन, यानी अकेला। इसमें सिक्स नंबर क्वेश्चन है, द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर, यानी मैं जिस स्थान से आता हूँ वह प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है टिम्बर, यानी लकड़ी के लिए, टिम्बर के लिए। बी ऑप्शन नथिंग एट ऑल, यानी किसी भी चीज़ के लिए नहीं। सी ऑप्शन है वुमेन घोस्ट, यानी महिला भूत के लिए। डी ऑप्शन है मैड एलिफेंट्स, यानी पागल हाथियों के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, टिम्बर, यानी लकड़ी के लिए। सेवन नंबर क्वेश्चन है, यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स, आप जानते हैं श्रीमान हाथी कैसा व्यवहार करता है। ए ऑप्शन है इज ग्रीडी, यानी लालची होता है। बी ऑप्शन है फील्स थर्स्टी, यानी प्यासा होता है। सी ऑप्शन है गोज मैड, यानी पागल हो जाता है। और डी ऑप्शन है इज स्लीपी, यानी सो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, गोज मैड, यानी पागल हो जाता है। एट नंबर क्वेश्चन है, पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन, यानी लोग इधर उधर भागे। ए ऑप्शन है ओपन एरिया, यानी खुले क्षेत्र में। बी ऑप्शन है द स्कूल, यानी स्कूल में। सी ऑप्शन है मैडनेस, यानी पागलपन में। और डी ऑप्शन है पैनिक, यानी आतंक या दहशत में। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, पैनिक, यानी आतंक या दहशत में। नाइन नंबर क्वेश्चन, देयर वाज नॉट अ शॉल बिलो ऑन दी, यानी नीचे परात्मा नहीं थी। ए ऑप्शन है टर्फ, यानी मैदान। बी ऑप्शन है ग्राउंड, यानी जमीन। सी ऑप्शन है रूफ्स, यानी छतें। और डी ऑप्शन है रोड, यानी सड़क। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, ग्राउंड, यानी जमीन पे। टेन नंबर क्वेश्चन है, ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज, यानी उन्होंने ईश्वरन द्वारा अपना पूरा करने की प्रतीक्षा नहीं की। ए ऑप्शन है मिल्स, यानी भोजन। बी ऑप्शन है सेंटेंस, यानी वाक्य। सी ऑप्शन है कुकिंग, यानी खाना बनाना। और डी ऑप्शन है वॉशिंग, यानी कपड़े धोना। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, सेंटेंस, यानी वाक्य। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।